यूपी विधानसभा चुनाव में तीन चरण के चुनाव होने के बाद सभी राजनीतिक दलों की निगाहें अब 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण के मतदान पर हैं। इसी कड़ी में आज सोमवार को कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ में प्रचार का अंतिम रोड शो कर रही हैं। बता दें कि प्रियंका लखनऊ की सभी 9 विधानसभा सीटों को कवर करने के प्रयास में हैं। वह 171 किलोमीटर का रोड शो कर रही हैं। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता बहुत परेशान है और त्रस्त है। लोगों के सामने महंगाई और बेरोजगारी की समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, जनता चाहती है कि कोई नया आए, नई तरह की राजनीति आए। प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम ने महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवर पर कुछ नहीं कहा और चुनाव में वो कह रहे हैं कि उनको अब इस बारे में जानकारी मिली है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको जानकारी नहीं दी? सरकारी पद खाली हैं तो बेरोजगारी क्यों है? हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है भाई? आप प्रधानमंत्री हैं क्या? मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में जब आपके पास सरकारी पद है? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? और ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना, तो 5 साल से आप सरकार में है। तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने PSU क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसीज से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं?